वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस का तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट देना है किसी भी पोस्ट का, आपने किसी भी पोस्ट का या किसी भी जॉब का तहरीरी इम्तिहान देना है नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 150 यानी 150 के लगभग सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। ये एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो है और इसी एक वीडियो से जो आप लोगों की तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी इसी एक वीडियो से। तो इस वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच सिंबल इज यूज टू एक्सिक्यूट फार्मूलाज इन एमएस एक्सेल? तो बी ऑप्शन इज राइट, इक्वल, यानी एक्सेल में हर फार्मूला इक्वल से ही स्टार्ट होता है, इक्वल के बगैर कोई भी फार्मूला एमएस एक्सेल में स्टार्ट नहीं होता। तो नंबर टू पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जाइगेंटिक? तो जो जाइगेंटिक का मुतरादफ है वो इस सवाल में हमें ये बताना है। तो जाइगेंटिक का मतलब होता है अफ्रियत, यानी इसका मुतरादफ बिग बदर भी है, यानी कि बड़ी चीज। तो ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, तो जाइगेंटिक का जो सिनोनिम है वो है ह्यूज। डी ऑप्शन इज राइट, ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फोर पे, एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, स्प्रेडशीट, यानी हम एक्सेल में जो काम करते हैं वो स्प्रेडशीट पर। लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो जिस पर हम काम करते हैं वो तो स्प्रेडशीट है, लेकिन जो एक्सेल की फाइल होती है उसको हम वर्क बुक कहते हैं। एक्सेल की फाइल को वर्क बुक, और एक्सेल पे जब हम काम करते हैं स्प्रेडशीट पर। अगर बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में हम काम करते हैं पेज पर, और एमएस वर्ड की जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में हम काम करते हैं स्लाइड पर, लेकिन उसकी जो फाइल है वो प्रेजेंटेशन कहलाती है, क्योंकि हम वही मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह ही तैयार करते हैं। तो नंबर फाइव पे क्वेश्चन है, फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो स्लेव का मतलब गुलाम और डायनेस्टी का मतलब होता है शाही घराना। तो मतलब है कि फादर ऑफ, यानी इब्तिदा किस हुक्मरान ने की बड़े सगीर पर? गुलाम मतलब है कि जो हुकूमत थी शाही घराने की, तो वो मतलब इब्तिदा की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी। तो नंबर सिक्स पे क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड? यानी जो स्प्रेडशीट की पहले हम बात कर रहे थे, स्प्रेडशीट में जो छोटे छोटे सेल होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो खाने होते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट, सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेवन पे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? यानी एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस सवाल में हमें यह बताना है। तो बहुत ही आसान है, यानी एक किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो 1000 होते हैं, और एक मीटर में जो सेंटीमीटर वो 100 होते हैं। तो 1000 को 100 से ज़रब करेंगे तो जवाब आ जाएगा। तो ये कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब लिखिएगा, हालांकि डी ऑप्शन राइट लिखा हुआ जवाब, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, ताकि आप लोगों का थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर एट पे क्वेश्चन है, रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट फाउंड इन? यानी जो RCD मतलब है कि कब फाउंड की गई, कब मतलब बनाई गई? तो वो ए ऑप्शन इज राइट, 1964 बनाई गई, 1964 यानी 1964 को RCD यानी रीजनल कॉपरेशन ऑफ डेवलपमेंट फाउंड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 पे, सोलर स्टेट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? यानी जो सोलर प्लेट्स है वो मतलब है कि वो किस टाइप के होते हैं, उसमें सेल होते हैं या किस टाइप पे वो कंसिस्ट करते हैं? वो है फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल पे वो कंसिस्ट करती है। तो नंबर 11 पे क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड? यानी ग्राफिकल जो हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो ए ऑप्शन इज राइट, पाई चार्ट कहलाता है, पाई चार्ट। तो 12 नंबर पे क्वेश्चन है, कचूरा लेक इज सिचुएटेड इन? जो कचूरा लेक है वो कहाँ पे वाक्य है? वो सकरदू में वाक्य है, लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी लेक है वो है मंचर लेक, जो कि दादू डिस्ट्रिक्ट में वाक्य है, लेकिन जो बाय हैंड यानी जो मसनू लेक है सबसे बड़ी पाकिस्तान की, वो है केंजर लेक। ये भी इस बात के बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 पे, हाउ सैड माइक्रोब्स आर एनिमलक्यूल? यानी मतलब एक माइक्रोब्स का मतलब है जरासीम। तो जो जरासीम मतलब किसने कहा था कि जरासीम होते हैं? एनिमलक्यूल का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े, जो मतलब के खुर्दबीन वगैरह से ही नजर आ सकते हैं। तो मतलब के किसने कहा, इस सवाल में हमें यह बताना है कि वो छोटे कीड़ों में माइक्रोब्स यानी जरासीम होते हैं, ये किसने कहा था? सी ऑप्शन इज राइट, ये LW मतलब ये जबान पर लफ्ज सही तरह नहीं आ रहा, तो इसको आप लोगों ने देख लेना, इसने कहा था कि छोटे जो मतलब कीड़े होते हैं उसमें जरासीम होते हैं। तो 15 नंबर पे क्वेश्चन है, हंगोल रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस? जो हंगोल रिवर है ये रिवर है यानी दरिया है, ये कहाँ पे वाक़ है? तो ये बलोचिस्तान में वाक़ है, हंगोल रिवर। तो नंबर 16 पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो पाकिस्तान बराजम एशिया में वाक़ है, और बराजम एशिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बराजम है। तो जो पाकिस्तान की अगर सही बात करें, बराजम एशिया में वाक़ है, लेकिन किस साइड पे? तो साउथ एशिया में पाकिस्तान वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18 पे, 890 स्क्वायर मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैथ का, तो 892 को 892 से ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो ये मैथ का सवाल है, ये तो थोड़ा बहुत हल करके आप लोगों ने इसका जवाब निकालना होता है। तो 19 नंबर पे क्वेश्चन है, 1965 वाज स्टार्टेड फ्रॉम? यानी 1965 की वार कब स्टार्ट हुई थी? तो 1965 की वार 6 सितंबर यानी 6 सितंबर को 1965 की वार स्टार्ट हुई थी, और 23 सितंबर तक रही थी। कितने दिन? 17 डेज रही थी, और उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान के दौर में ये लड़ाई लड़ी, 6 सितंबर टू 23 सितंबर 17 दिन रही।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 नंबर पे, इन एमएस वर्ड ए चार्ट कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड द स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड, यानी मतलब है कि आप लोगों को एमएस वर्ड में एक मिसाल के तौर पर हम एन ए की 2, यानी जो ऊपर 2 लगा हो ये मतलब है कि अबव होता है और नीचे 2 लगा दे तो ये मतलब है कि बिलो लाइन होता है। तो ये जो ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है तो ये मतलब है कि ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है। तो ये मतलब है कि लगाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यही इस सवाल में पूछा गया है। तो वो हम करते हैं, सी ऑप्शन इज राइट, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि मैं मिसाल के तौर पर एन के ऊपर 2 लिख दिया, ये सुपरस्क्रिप्ट का काम है। अगर एन के नीचे 2 लिखना हो तो ये सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि काम होगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल आप लोगों का सवाल क्लियर हो गया होगा। 21 नंबर पे क्वेश्चन है, जर्मनी रिमेन्स इन अलाइज फ्रॉम 1945 टू 1952, यानी 1942 से 1952 तक। तो 22 नंबर पे क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड, यानी मतलब है कि पूरी दुनिया में जो अर्थ फिल्ड यानी जो मिट्टी से बनाया गया है डैम, तो उसका क्या नाम है। ए ऑप्शन इज राइट, तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डैम है और जो पूरी दुनिया की मैं बात करें तो वो अर्थ फिल्ड यानी मतलब कि मिट्टी से बनाया गया सबसे बड़ा डैम है। वैसे तो और मतलब बड़े डैम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन बाय इंडिया, यानी जो कश्मीर का मसला था ये यूनाइटेड नेशन कब ले जाया गया। तो बी ऑप्शन इज राइट, 1 जनवरी 1948, यानी 1 जनवरी 1948 को ले जाया गया। तो जो यूनाइटेड नेशन है ये बहुत बड़ी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन का काम यह है कि जो बड़ी जंगों को रोकना और कश्मीर जैसे पेचीदा मसाल को हल करना। तो ये कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, ड्यूडेनम जुजेनम इज ए पार्ट ऑफ, तो ड्यूडेनम का मतलब है छोटी आंत का पहला हिस्सा। तो ये किसका पार्ट है, बी ऑप्शन इज राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब भी छोटी आंतड़ियां जो होती हैं वो ही है। तो ये पार्ट किसका, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 25 नंबर पे क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो सी ऑप्शन इज राइट, F7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मतलब है कि प्रेजेंट मौजूद होती है ह्यूमन में, ह्यूमन की बॉडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, इन 1846 यानी 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर एनी अमाउंट, तो मतलब है कि जो उसने अंग्रेजों को बेचा था कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने कितनी अमाउंट में। तो डी ऑप्शन राइट, 75 लैक्स, मतलब है कि 75 लाख में बेचा था उसने। कब बेचा था, 1846 में। ये डेट आप लोगों ने याद रखना है, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि 1846 में मतलब कि अंग्रेजों को कश्मीर बेचा गया। किसने बेचा, महाराजा गुलाब सिंह ने बेचा 75 लाख में, 75 लाख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, ड्यूरेंट लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन, यानी जो ड्यूरेंट लाइन है ये किसका बॉर्डर। तो ये सी ऑप्शन इज राइट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ड्यूरेंट लाइन कब बनी, 1893 में। ये डेट आप लोगों ने याद रखनी, 1893 में बनी। ये किसके द्वारा बनी थी, मतलब उस वक्त जो मतलब अफगानिस्तान के हुक्मरान थे अब्दुर्रहमान, और दूसरे नंबर पे अंग्रेजों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था, ये लाइन बनाई गई थी ड्यूरेंट लाइन वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, हाउ फाउंडेड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब बनाया, मतलब किसने बनाई। तो सी ऑप्शन इज राइट, ए ओ ह्यूम, और कब बनी, 1885 में नेशनल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में। इसका मतलब है कि ए ओ ह्यूम ने बनाई थी। तो अगर बात करें, आप लोगों को शायद पहले पता भी होगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात कर लें तो 1906 में बनी थी, और किसने बनाई थी, मतलब इसके पहले सदर कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, सर आगा खान, और कायदे अजम ज्वाइन किया था 1913 में, और कायदे अजम परमानेंट मेंबर इसके सदर बने 1934 में। तो इस बात का आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो, यानी पाकिस्तान सेंटो से कब अलगी इख्तियार की। तो बी ऑप्शन इज राइट, 1979 यानी 1979 को सेंटो को पाकिस्तान ने छोड़ दिया था, और ज्वाइन कब किया था, 1955 में। 1955 में पाकिस्तान ने सेंटो को ज्वाइन किया और 1979 में छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडस वाटर ट्रीटी साइन सितंबर 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रोक बाय, यानी जो मौजूदा हुआ था पाकिस्तान का अंडस वाटर ट्रीटी का, ये कब हुआ था, सितंबर 1960 में, यानी 19 सितंबर 1960 को ये मौजूदा हुआ था, तो पाकिस्तान इंडिया का। तो किसने करवाया था, तो ए ऑप्शन इज राइट, वर्ल्ड बैंक ने, मतलब है कि ये करवाया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का अंडस वाटर ट्रीटी का, जो 1960 में हुआ। ये डेट भी याद रखनी है, 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माय स्टडी, तो इसमें मतलब क्या आएगा, हेल्प आएगा, हेल्प आएगा, हेल्प आएगा या हेल्पिंग आएगा। तो इसमें हेल्प्स आएगा, हेल्प्स क्यों आएगा। तो ये एक तो सबसे पहले हमें फिक्रे की पहचान होनी चाहिए कि फिक्रा किस टेंस का है, माय ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माय स्टडी। तो ये फिक्रा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट फिक्रे में जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं जो कि वो सिंगुलर हो, मतलब के, तो वो उसमें एस का इजाफा किया जाता है। तो इसमें आएगा, माय ब्रदर एंड फ्रेंड्स हेल्प्स मी इन माय स्टडीज।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीचर ऑफ एमएस ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल कॉल्ड। तो जो मतलब एक ऑटोमेटिकली मतलब एक कोई फाइल हमें एमएस वर्ड में सेव होती है तो वो क्या, वो मतलब एक क्या कहलाती है, तो ऑटो सेव कहलाती है, ऑटो सेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट द कर्सर इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो राइट साइड से जो कर्सर हम डिलीट करते हैं तो वो किस की से करते हैं, तो शॉर्टकट की वो है डिलीट, डिलीट से करते हैं। राइट साइड से हम डिलीट से करते हैं और लेफ्ट साइड से हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। राइट साइड से हम डिलीट के बटन से करते हैं डिलीट, और बी मतलब के लेफ्ट साइड से बैक स्पेस से भी वो लफ्ज खत्म कर। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज, तो इसका राइट आंसर है हबीबुल्लाह खान। हबीबुल्लाह खान सेनेट के पहले चेयरमैन थे। अगर बात करें फर्स्ट वजीर आजम की तो वो थे लियाकत अली खान। फर्स्ट पाकिस्तान के सदर थे इस्कंदर मिर्जा। फर्स्ट गवर्नर थे कायदे आजम मोहम्मद अली जना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे मियां अब्दुल रशीद। और फर्स्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे अब्दुल हफीज किरदार। तो नंबर टू पे क्वेश्चन है, गवादर रिमेंड अंडर ओमान रूल फॉर डैश ईयर, यानी जो गवादर है पाकिस्तान का हिस्सा ये ओमान के अंडर कितने साल रहा, तो इसका राइट आंसर है 161, यानी 161 साल रहा उमान के अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थ्री पे, फैज अहमद फैज वाज बॉर्न, तो फैज अहमद फैज किस शहर में पैदा हुए, तो फैज अहमद फैज सियालकोट में पैदा हुए। ये उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और इन्होंने वफात पाई लाहौर में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, पैदा हुए सियालकोट में और वफात पाई लाहौर में। तो नंबर फोर पे क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स लीथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19, यानी जो कोविड-19 वो बॉडी के किस हिस्से पर अटैक करती थी, तो वो लंग्स यानी फेफड़ों पर वो अटैक करती थी, तो लंग्स इसका राइट आंसर है। तो नंबर फाइव पे क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो स्टूडेंट थे, जो तालिब इल्म थे, उन्होंने फेडरेशन फाउंड की थी, बनाई थी किस शहर में, तो उस शहर का यहाँ पर आंसर है नन ऑफ दीज। तो शहर का नाम आप लोगों को बताता हूँ, चेन्नई, चेन्नई शहर था जिसमें मतलब उन्होंने ये फाउंड की थी। तो नंबर सिक्स पे क्वेश्चन है, सन यात-सेन पार्क एंड सेसा गार्डन इज एन विच सिटी ऑफ चाइना, तो ये चाइना का जो मैको सिटी है उसमें वाकया है सन यात-सेन पार्क और कैसा गार्डन। तो ये मतलब थोड़ा सा लफ्ज मेरी जबान पे ठीक नहीं आ रहे, तो ये आप लोगों ने खुद भी रीड कर लेना है, तो इसका राइट आंसर है MACAU। तो नंबर सेवन पे क्वेश्चन है, अशगाबत इज द कैपिटल ऑफ, जो अशगाबत है ये किस मुल्क का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, तो वो मुल्क है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबत। तो नंबर एट पे क्वेश्चन है, हाउ वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम का नाम बताना है, तो उनका नाम था ख्वाजा नाजमुद्दीन। और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान। और पाकिस्तान के पहले सदर थे इस्कंदर मिर्जा। और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर थे इस्कंदर मिर्जा। तो नंबर नाइन पे क्वेश्चन है, राकापोशी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, यानी जो राकापोशी मतलब के है वो किस माउंटेन रेंज में वाक्य है, तो राकापोशी जो कराकरम रेंज में वाक्य है। नंबर टेन पे क्वेश्चन है, नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, यानी जो नांगा पर्वत पहाड़ी है ये किस रेंज में वाक्य है, तो ये हिमालया रेंज में वाक्य है। ये जो नांगा पर्वत है ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, और नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन। और नांगा पर्वत की जो लंबाई है वो 81-26 मीटर है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये किस रेंज में वाक्य है, ये हिमालया रेंज में वाक्य है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, 11 नंबर पे क्वेश्चन है, बिग एप्पल इज ए निक नेम, तो बिग एप्पल का निक नेम क्या है, मतलब है कि वो है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को मतलब है कि बिग एप्पल भी कहते हैं। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, ये जो न्यूयॉर्क है ये जो अमेरिका का सिटी है। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, हाउ रोट भुट्टो के आखिरी 323 यानी 323 दिन, ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है कर्नल रफीउद्दीन, कर्नल रफीउद्दीन ने किताब लिखी है भुट्टो के आखिरी 323 दिन। तो ये आप लोगों ने दिन भी याद रखने हैं, 303 मतलब है कि ये बुक के का नाम भी पूछा जा सकता है, और ये किसने लिखी है, कर्नल रफीउद्दीन ने लिखी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेस अनीमिया, मतलब किसकी वजह से अनीमिया मतलब पैदा होता है, या अनीमिया की मर्ज लाहक होती है, तो आयरन की वजह से अनीमिया मतलब का मसला बनता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काजेस अनीमिया, मतलब आयरन की कमी की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे, हाउ इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी जो सार्क का करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है इसाला वीराकून, ये मतलब है कि सी ऑप्शन ठीक है, ये नाम आप लोगों ने याद कर लेना है, इसाला वीराकून के क्या बनता है, तो ये से आप लोगों ने जहन में रखना है सार्क।
सार्क में तकरीबन 8 कंट्री वाक्य हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और सार्क कब बनी, ये बनी थी 1985 में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 1985 में बनी थी। और इस सार्क में कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं। और जो सार्क की फुल फॉर्म है वो आप लोग पहले ही मतलब है कि एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो ये इनकी मतलब है कि फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सवाल क्लियर हो चुका होगा। तो नंबर 15 पे क्वेश्चन है, हाउ वाज यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इन 1962 to 1963। यानी इस सवाल में हमें यह बताना कि जो यूएन है यानी यूनाइटेड नेशन का जो प्रेसिडेंट रहे हैं 1962 से 1963 तक, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है सर जफरुल्ला खान। सर जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यूएनए की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन मतलब है कि पूरी दुनिया की ये मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यूएनए का मकसद है मतलब है कि मुख्तलिफ जो बड़ी जंगों को रोकने के लिए। तो यूएनए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनए कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में, यूएनए का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 पे, विच इज द लेटेस्ट जो मेंबर है ऑफ नेटो का, तो जो लेटेस्ट मेंबर है वो है नॉर्थ मैकडोनिया। नॉर्थ मैकडोनिया लेटेस्ट मतलब एक मेंबर है नेटो का। तो 17 नंबर पे क्वेश्चन है, द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेजर मतलब के मसला है वो किस चीज़ का है, तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, कश्मीर का मसला है जो कि अभी मतलब के अभी तक हल नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18 पे, केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउसेज गैसेज, ग्रीन हाउसेज गैसेज। तो 19 नंबर पे क्वेश्चन है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाट बिटवीन, यानी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी तो वो मतलब किन के दरमियान लड़ी गई थी, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो अफगान और मराठाज के दरमियान लड़ी गई, यानी अफगानियों के और मराठों के दरमियान लड़ी गई थी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी। तो आप लोगों को इस बात का तो पता चल गया कि तीन पानीपत पे, पानीपत की जो जगह है वहां पे लड़ाई हुई है तीन। तो पहली लड़ाई हुई थी, आप लोगों को मैं डेट भी बता देता हूँ, जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, किन के दरमियान, बहादुर शाह जफर, जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में पानीपत में पहली लड़ाई हुई थी, 1526 में जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ये हुई थी हमायूं और जो साथ मतलब एक दूसरे थे उनका मतलब है कि मुझे नाम ये नहीं याद आ रहा, लेकिन वो 1556 में हुई थी, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, यही मतलब है कि हमायूं के दरमियान और दूसरे मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो नंबर दो थर्ड की लड़ाई है वो हुई थी 1761 में, किन के दरमियान, अफगानियों और मराठों के दरमियान। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो मतलब कि पहले जो राउंड टेबल यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो फर्स्ट लीडर मतलब कि मुस्लिम थे वो थे कायदे आजम। तो आप लोगों को यहीं पे बताता चलूँ कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है ये तीन हुई है, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है, तीन हुई है। अच्छा, पहली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन तीनों में मुसलमानों ने तीनों में ही शिरकत की थी। तो अब आप लोगों को डेट भी बता देता हूँ, जो मतलब कि पहली हुई थी गोल मेज कॉन्फ्रेंस वो हुई थी 1930 में 12 नवंबर 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, और दूसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी वो थी 7 सितंबर 1931 को, दूसरी 7 सितंबर 1931 को, और जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 17 नवंबर 1932 को। तो तीनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निमोनिया है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से मतलब है कि लाहक होता है, तो वो है कुकी की वजह से मतलब निमोनिया लाहक होता है कुकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, व्हाट इज द नेम फॉर एन एम्फीथिएटर लाइक हॉलो दैट फॉर्म्स एट द हेड ऑफ ए ग्लेशियर, तो इसका राइट आंसर है करक, इसका राइट आंसर है करक। 25 नंबर पे क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो नेशनल असेंबली है इनकी कितनी मुद्दत होती है, तो इसकी आप लोगों को शायद पहले ही पता होगा, 5 साल इनकी मुद्दत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, बोस्निया साइन डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट, तो इसका राइट आंसर है नवंबर 2020। ये जो बोस्निया साइन हुआ था डील पाकिस्तान टू सेंड बैक
माइग्रेंट, तो ये हुआ था नवंबर 2020 को। तो 27 नंबर पे क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो फर्स्ट आम इंतखाबात हुए थे तो वो कब हुए थे, वो हुए थे 1970 यानी 1970 को हुए थे, और 1970 के पहले इंतखाबात में कौन सी पार्टियां थी, एक थी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी और दूसरी थी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, पीएम इमरान खान लॉन्च्ड डैश मोबाइल ऐप ऑन 6 जनवरी 2020 टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज, तो मतलब एक इमरान खान ने जो 6 जनवरी 2020 को कंट्रोल करने के लिए जो मोबाइल ऐप मतलब के बनाई थी उसका नाम बताना है, जिंदगी ऐप, ऐसा ऐप के नाम का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिंदगी ऐप, और ये कब बनी, 6 जनवरी 2020 को, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 जनवरी 2020 को बनी और किस लिए बनी, कंट्रोल ड्रग अब्यूज, मतलब है कि ड्रग जो मतलब नशा वगैरह की काफी इसमें चीजें आ जाती हैं, तो ड्रग्स अब्यूज को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें तीन क्वेश्चन है तो तीनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 30 नंबर पे एक क्वेश्चन है, विच मैग्नेटिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो जो स्टेथोस्कोप है ये इसको किसने मतलब इन्वेंटेड किया है, तो उसका नाम है रेनी, ये जो नाम है ये मेरी जबान पे नहीं आ रहा, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना, RENELAENEC, मतलब एक जो स्टेथोस्कोप है इसको मतलब एक इन्वेंटेड किया है रेनी, मतलब जो भी नाम है। 32 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान बिल्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो जो न्यूक्लियर पाकिस्तान ने जो सबसे पहले न्यूक्लियर का पावर प्लांट लगाया था वो किस डेट को लगाया था, वो नवंबर 1972 यानी नवंबर 1972 को लगाया था, और ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में लगाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो नेशनल जानवर है वो उसका क्या नाम, उसका नाम है मारखोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, विच कंट्री लास्ट ज्वाइन सार्क, मतलब किस कंट्री ने सार्क को एंड पर ज्वाइन किया, तो उसका नाम है अफगानिस्तान, कब किया, 2007 में अफगानिस्तान ने सार्क को मतलब के ज्वाइन किया। तो सार्क के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 8 कंट्रीज हैं, ये साउथ मतलब के एशियन ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 38 नंबर पे क्वेश्चन है, जिया मोहिद्दीन इज ए, तो जो जिया मोहिद्दीन थे वो क्या थे, सिंगर थे या कॉमेडियन या एक्टर, तो वो एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, द ऑरेंज रिवर फ्लो इन, तो जो ऑरेंज रिवर है ये कहाँ पे मतलब के बहता है, तो ये अफ्रीका में बहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन अफ्रीका। तो 40 नंबर पे क्वेश्चन है, मोजावे डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये जो मोजावे डेजर्ट है यानी जो सहरा है मोजावे, ये कहाँ पे मतलब एक वाक़ है, ये यूनाइटेड स्टेट यानी USA अमेरिका में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, मतलब है कि जो पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर कब लगाया गया, तो ये लगाया गया 1963 यानी 1963 में लगाया गया, 2 मार्च 1963 में पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगाया गया। तो 42 नंबर पे क्वेश्चन है, डैश वाज आल्सो नोन एज द थर्ड जून प्लान का दूसरा क्या नाम है, तो ये थर्ड जून प्लान को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं माउंट बैटन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पे, द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका राइट आंसर है बात ए और बी, यानी जो जुरिसडिक्शन है इंटरनेशनल कोर्ट इसका क्या काम है, तो ये नंबर ए पे है, टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज यानी मुल्कों को आपस में मुजाकरात भी करवाती है, और नंबर बी पे है टू सॉल्व क्रिमिनल्स एंड इंडिविजुअल इश्यूज को भी हल करती है, तो इसका राइट आंसर है बात ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या फंक्शन है, इसका राइट आंसर है नंबर सी, इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यानी IMP, इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबमरीन्स ऑपरेट, तो सबमरीन्स को ऑपरेट कौन करता है, आर्किमिडेस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पे, विच गैस इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2, तो इसका राइट आंसर है मैथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है पेरिस में वाक्य है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की शॉर्ट फॉर्म है IEA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल, ये तो सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे, लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो इसका राइट आंसर है हिंदू प्रेस।
लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय हिंदू प्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर पे, बैरूत इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बैरूत किस कंट्री का कैपिटल है, वो है लिबनान का। बैरूत लिबनान का कैपिटल है, और जो ट्राइपोली है ये लीबिया का कैपिटल है, और जो कायरो है ये इजिप्ट यानी मिस्र का कैपिटल है। यानी लिबनान जो मतलब है कि लिबनान का कैपिटल है बैरूत, और लीबिया का कैपिटल है ट्राइपोली, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, द कैपेसिटी ऑफ नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट इज। तो नीलम जहलम जो हाइड्रो पावर है इसकी मतलब कितनी कैपेसिटी है, तो इसके 969 यानी 969 मेगावाट, 969 मेगावाट। और हमारा पोर्ट इन विच प्रोविंस, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, बलोचिस्तान। जो हमारा पोर्ट है ये बलोचिस्तान में वाक़ है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पोर्ट है वो है रानीकोट पोर्ट। तो नंबर टू पे क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टन इज सिचुएटेड इन विच रेंज। तो इसका राइट आंसर है कराक्रम रेंज। जो गॉडविन ऑस्टन चोटी है ये कराक्रम रेंज में वाक़ है, और जो गॉडविन ऑस्टन का दूसरा नाम है यह है K2। गॉडविन ऑस्टन का दूसरा नाम K2, और K2 की जो लंबाई है वो 86-11 मीटर K2 की लंबाई है। तो अगर बात करें हिंदूकश रेंज की, जो सबसे बड़ी चोटी है वो है तरचमीर। हिंदूकश रेंज की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है तरचमीर। अगर बात करें हिमालय रेंज की सबसे बड़ी चोटी, तो वो है नांगा पर्वत। हिमालय रेंज की जो सबसे बड़ी चोटी है वो है नांगा पर्वत, और नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन, और जो नांगा पर्वत की लंबाई है वो है 81-25 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थ्री पे, हाउ रोट ग्लैम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ग्लैम्सेज का मतलब है झलक। तो दुनिया की मतलब दुनिया के बारे में जो मतलब कि ये बुक लिखी गई है ग्लैम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसने लिखी है, बी ऑप्शन इज राइट, जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखी है बुक। और ये कब पब्लिश हुई, ये 1934 में पब्लिश हुई, ये भी आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है। ग्लैम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने, और ये कब पब्लिश हुई, ये 1934 में पब्लिश हुई। तो नंबर फोर पे क्वेश्चन है, बगदाद पैक्ट वाज प्रोमोगेटेड इन 1955 एंड देन आफ्टर इराक लेफ्ट द आल्सो कैड। तो 1955 में जो बगदाद पैक्ट का जो मतलब के मौदा हुआ था किस चीज का था, तो ये बी ऑप्शन इज राइट, सिंटू का था, SCENTO, सेंटो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फाइव पे, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन। तो जो रॉलेट एक्ट है ये कब पास हुआ, डी ऑप्शन इज राइट, 1919 यानी 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिक्स पे, इन विच ईयर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन। मतलब किस डेट में ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इजाद किया था, तो वो डेट है 1876 यानी 1876 में ग्राहम बेल ने फोन को इजाद किया था। इसमें दो चीज आप लोगों को याद रखनी है, टेलीफोन को किसने इजाद किया, ग्राहम बेल ने, और कब इजाद किया, 1876 में। तो सेवन नंबर पे क्वेश्चन है, रोनाल्ड पास डिस्कवर्ड द कज़ा। मतलब अगर रोनाल्ड पास ने डिस्कवर्ड किया था, तो बी ऑप्शन इज राइट, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर एट पे, हाउ डिस्कवर्ड पेंसिलिन। तो पेंसिलिन को किसने दरियाफ्त किया, तो उसका नाम है ए ऑप्शन इज राइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर्ड यानी दरियाफ्त किया, और कब किया, 1928 में। ये भी आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है, 1928 में मतलब कि पेंसिलिन को इजाद किया गया, और किसने इजाद किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नाइन पे, लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकंड हाउ पंजाब। मतलब है कि जो लाहौर रेजोल्यूशन थी, उसके बाद जो सेकंड मतलब है कि पंजाब रेजोल्यूशन थी, उस वो मतलब है कि उसके बानी कौन थे, तो सी ऑप्शन इज राइट, मौलाना जफर अली खान, दूसरी जो लाहौर रेजोल्यूशन थी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 पे, इन 2019-20 ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीजन इज नेम्ड। तो 2019-20 में जो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीजन, उसका क्या नाम था, बी ऑप्शन इज राइट, ब्लैक समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू ईरान। मतलब है कि पाकिस्तानी जो मतलब है कि एम्बेसडर थी ईरान में फीमेल, तो उसका क्या नाम था, ए ऑप्शन इज राइट, रिफत मसूद। पाकिस्तानी पहली थी जो कि ईरान में फर्स्ट मतलब है कि एम्बेसडर थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 पे, व्हाट इज द एनर्जी फॉर्मेट ड्यू टू वाटरफॉल। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी फॉर्मेट ड्यू टू वाटरफॉल, काइनेटिक एनर्जी। तो नंबर 15 पे क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। इन SI यूनिट ऑफ टाइम पीसो सेकंड इज इक्वल। मतलब जो पीसो सेकंड है ये इक्वल है टू हाउ मेनी सेकंड के, पीसो सेकंड मतलब इक्वल है कितने सेकंड के। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, 10^-12। बी ऑप्शन इज राइट, 10^-12। तो 17 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ स्टार्टेड जिहाद मोमेंट। जो जिहाद मोमेंट को किसने स्टार्ट किया था, तो बी ऑप्शन इज राइट, सैयद अहमद शहीद ने जिहाद मोमेंट को स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 पे, एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ। जो एस्ट्रोनॉमी है ये किस चीज की स्टडी है, तो ये स्टार्स, प्लैनेट, मून, ये मतलब इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। यानी जो एस्ट्रोनॉमी का मतलब ही है सितारों का इलम, तो ये स्टार्स भी इसमें आ जाते हैं, प्लैनेट भी और मून भी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। तो 20 नंबर पे क्वेश्चन है, द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो बिगेस्ट फोर्ट है वो है रानीकोट फोर्ट, बी ऑप्शन इज राइट, रानीकोट फोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी यूज। जो ब्लैक चेन की टेक्नोलॉजी है ये यूज हुई, बी ऑप्शन इज राइट, क्रिप्टो करेंसी में यूज हुई ब्लैक चेन की टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी में। तो 22 पे क्वेश्चन है, द बजट ऑफ पाकिस्तान इन 20
2021 and 2022 यानी 2021-2022 में जो पाकिस्तान का बजट था तो डेफिसिट का मतलब होता है खसारा, कितने खसारे में था तो वो था 7.5%, ये सी ऑप्शन राइट 7.5% खसारे में था पाकिस्तान का 2021 और 2022 का बजट, 2021-22 का जो मतलब इकट्ठा बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो 24 नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज कॉल्ड क्वीन ऑफ वाटर, मतलब कौन सा फ्लावर है जिसको क्वीन ऑफ वाटर कहते हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट लिली, LILY, ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, द काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, एसिड रेन, एसिड रेन का मतलब एक काज है सॉइल पोल्यूशन का। तो 26 नंबर पे क्वेश्चन है, 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यानी अमेरिका हो अबोलिश्ड स्लेवरी, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, इब्राहिम लिंकॉलन यूएसए यानी अमेरिका के दो दफा सदर रहे हैं और ये 16वें नंबर पे सदर थे, ये भी आप लोगों को पता है, 16वें नंबर पे अमेरिका के सदर थे इब्राहिम लिंकॉलन और ये दो दफा सदर रहे हैं और पहली दफा ये रहे हैं 1861 से 1865 तक, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो सी ऑप्शन इज राइट, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की है, ये आप लोगों को याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 नंबर पे क्वेश्चन है, द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मतलब कि ये जितने भी हैं ये सारे मतलब कि रिन्यूएबल हैं, जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो गैस ऑयल वगैरह मतलब कि जो मतलब कि रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन ये जो जितने भी ये सारे मतलब कि इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, एन अवलेंच हिट ए पाकिस्तान आर्मी बेस, किल्ड 140 सोल्जर्स एंड सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो इस सवाल को आप लोगों ने समझना है कि एन अवलेंच, अवलेंच का मतलब होता है बर्फानी या मिट्टी की वजह से उठने वाला तूफान, मतलब बर्फानी या मिट्टी से उठने वाला तूफान अवलेंच का मतलब होता है। तो मतलब कि बर्फानी जो तोदे की वजह से या बर्फानी तूफान की वजह से पाकिस्तान आर्मी बेस पर तकरीबन 140 सोल्जर मतलब के मारे गए थे और सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कुछ बीच में मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे। ये वाकया कब पेश आया था, तो ये वाकया बी ऑप्शन इज राइट 7 अप्रैल 2012 यानी 7 अप्रैल 2012 को ये वाकया आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें 140 सोल्जर मतलब के हलाक हुए थे और ये वाकया कब पेश आया, 7 अप्रैल 2012। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, ग्लोबल वार्मिंग पोज थ्रेट टू वर्ल्ड इज स्टेटमेंट बाय, राइट आंसर है बी ऑप्शन, मतलब कि किसने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मतलब कि धमकी दी थी, तो उसका नाम है बी ऑप्शन इज राइट, एंटोनियो गुटेरेस उसका नाम है गुटेरेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, हाउ डिलीवर्ड अलाहाबाद ड्रेस, तो मतलब कि जो किसने मतलब अलाहाबाद का जो खता मतलब कि ड्रेस अलाहाबाद का दिया था, वो आप लोगों को पहले ही पता है कि इलामा इकबाल ने अलाहाबाद का खुतबा मतलब कि दिया था। तो इसमें जो मेन बात याद रखने वाली वो है 29 दिसंबर 1930 में इलामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद पेश किया था। डेट आप लोगों ने लाजमी याद रखनी, क्योंकि ये तो काफ़ी कॉमन सवाल है, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो 29 दिसंबर 1930 में इलामा इकबाल ने मतलब खुतबा अलाहाबाद दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, विच इंडस्ट्री वाज ग्रोविंग इन पाकिस्तान बिफोर 1958 यानी 1958 से पहले मतलब के कौन सी इंडस्ट्री थी मतलब ग्रोविंग में, तो वो सी ऑप्शन इज राइट, मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री थी वो मतलब के काफ़ी ग्रोविंग में थी, मतलब काफ़ी ग्रो उसकी थी, सी ऑप्शन इज राइट, मैन्युफैक्चरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर पे, नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, यानी जो नेहरू रिपोर्ट थी ये कब पब्लिश हुई, बी ऑप्शन इज राइट 1928 यानी 1928 में हुई थी, 28 अगस्त 1928 में। ये डेट आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये तो काफ़ी कॉमन सवाल हो चुके हैं, आप लोगों को शायद पहले भी आते होंगे, लेकिन इसकी जो डेट है नेहरू रिपोर्ट की जो पब्लिश की डेट है ये है 28 अगस्त 1928, साथ आप लोगों ने डेट भी याद रखनी है 28 अगस्त 1928 में ये पब्लिश हुई थी। तो 34 नंबर पे क्वेश्चन है, विच डैम इज सिचुएटेड ऑन हरा रिवर, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, खानपुर, मतलब कि जो हरा रिवर पे जो डैम है वो है खानपुर। सॉरी क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, विच डैम इज सिचुएटेड ऑन हरा रिवर, हरा रिवर पे कौन सा मतलब एक डैम है, तो उसका नाम डैम का नाम है खानपुर। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है वो है तरबेला डैम, जो कि केपीके में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर पे, विन मुस्लिम लीग ऑब्जर्वर डे ऑफ डिवलेंस, मतलब के डिवलेंस का मतलब था निजात, तो मतलब मुसलमानों ने किस डेट को यौम निजात मनाई थी, तो वो डेट है डी ऑप्शन इज राइट 22 दिसंबर 1939 यानी 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने यौम निजात मनाई थी, यानी मुस्लिम लीग ने यौम निजात मनाई थी। तो 36 नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी टू कम्बैट टेररिज्म इन 2014 यानी 2014 में पाकिस्तान आर्मी ने कौन सा जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो
उस ऑपरेशन का नाम है, ए ऑप्शन इज राइट, ज़र्ब ए अज़ब। ज़र्ब ए अज़ब मतलब है कि 2014 में पाकिस्तान आर्मी ने मतलब है कि स्टार्ट किया था ज़र्ब ए अज़ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, विच कंट्री इज मोस्ट विजिटेड बाय टूरिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो किस कंट्री में मतलब कि ज्यादा जो विजिटर मतलब टूरिस्ट जाते हैं विजिट करने के लिए जो मॉडर्न मतलब वर्ल्ड, तो वो बी ऑप्शन इज राइट, फ्रांस में। फ्रांस में सबसे ज्यादा मतलब टूरिस्ट जाते हैं। तो 38 नंबर पे क्वेश्चन है, द मॉडर्न नेम ऑफ शाहजहांबाद। शाहजहांबाद का जो अभी मॉडर्न नेम है वो है पुरानी दिल्ली। ये इंडिया में वाकया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, हाउ इज द फर्स्ट सिख सेनेटर बिलोंग्स टू केपीके। मतलब जो फर्स्ट सेनेटर था मतलब के सिख केपीके का, उसका क्या नाम था। बी ऑप्शन इज राइट, गुरदीप सिंह मतलब केपीके के फर्स्ट सेनेटर थे। तो 40 नंबर पे क्वेश्चन है, विच फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अवार्डेड नोबेल प्राइज 1907। यानी 1907 में किस इंग्लिश मतलब कि किस को नोबेल प्राइज मिला था, किस फेमस पर्सनैलिटी को इंग्लिश लिटरेचर की वजह से नोबेल प्राइज मिला था। तो उसका नाम है, बी ऑप्शन इज राइट, रडयार्ड किपलिंग। ये नाम आप लोगों ने याद कर लेना, रडयार्ड की किपलिंग उसका नाम था, जिसको इंग्लिश लिटरेचर की वजह से नोबेल प्राइज मिला था 1907 में। और जो नोबेल प्राइज है ये स्टार्ट हुआ था 1901 में, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ कश्मीर हाईवे। तो कश्मीर हाईवे का जो नया नाम है वो है श्रीनगर हाईवे। बी ऑप्शन इज राइट, श्रीनगर हाईवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर पे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ पीएसएल इन 2021। तो जो लेटेस्ट एडिशन है वो अभी 2023 है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो अभी लेटेस्ट एडिशन है वो 2023 है, और कितना एडिशन है वो मतलब कि आठवां एडिशन है 2023 का लेटेस्ट। ये 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 का जो है वो है मतलब वो छठवां था, यानी सिक्स था। तो पीएसएल के बारे में मतलब एक मैंने पर्सनल वीडियो मतलब एक अपलोड करूंगा बहुत जल्द, तो वो लाजमी देखिएगा। पीएसएल के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी वीडियो से ही आएगा, तो वो जल्दी मैं अपलोड करूंगा पर्सनल, वो पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पे, विच टीम वन पीएसएल 2019 यानी 2019 में कराची में किस टीम ने पीएसएल को विन किया था। तो वो टीम थी सी ऑप्शन राइट, क्वेटा ग्लेडिएटर्स। तो पीएसएल के बारे में एक पर्सनल वीडियो अपलोड करूंगा, तकरीबन दो या तीन मिनट की वीडियो होगी, उससे पीएसएल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हल कर सकोगे। तो 44 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ इज द फर्स्ट वासराय आफ्टर 1857 वार, यानी 1857 में कौन वासराय थे उस वक्त। तो उस वक्त थे, बी ऑप्शन इज राइट, केनंग उस वक्त वासराय थे, केनंग उसका नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर पे, विन बलूचिस्तान गार्ड द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, यानी बलूचिस्तान को कब मतलब के सूबे का दर्जा मिला। तो बी ऑप्शन इज राइट, 1970 यानी 1970 में बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया, पहले सूबे का दर्जा नहीं था। तो 46 नंबर पे क्वेश्चन है, विन स्विट्जरलैंड गार्ड द स्टेटस ऑफ न्यूट्रल स्टेटस। तो मतलब है कि कब स्विट्जरलैंड को स्टेटस मिला न्यूट्रल स्टेट का, तो वो थी सी ऑप्शन इज राइट, 1815 यानी 1815 में स्विट्जरलैंड को न्यूट्रल स्टेट का स्टेटस मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे, द लास्ट रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मतलब एक ऑटोमन एम्पायर का जो लास्ट रूलर था, हुक्मरान था, आखिरी हुक्मरान था ऑटोमन एम्पायर का, तो उसका नाम बताना है इस क्वेश्चन में, तो वो है अब्दुल अमजीद सेकंड उसका नाम था, जो ऑटोमन एम्पायर का लास्ट मतलब एक रूलर था। तो आज की वीडियो का आखिरी सवाल 49 नंबर पे, विन तालिबान फॉर्मेड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब है कि तालिबान ने जो पहली दफ़ा गवर्नमेंट मतलब अफगानिस्तान में बनाई थी, तो उसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, 1996 यानी 1996 में तालिबान ने पहली दफ़ा मतलब है कि हकूमत बनाई थी अफगानिस्तान में। ज़ियाल हक बीकम प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है 1978 यानी ज़ियाल हक पाकिस्तान के सदर बने 1978 में, और ज़ियाल हक ने पाकिस्तान पर हुकूमत की 1988 तक। नंबर टू पे क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर इरा अहमद शाह अब्दाली फेस हिज फर्स्ट डिफीट। तो इसका राइट आंसर है अहमद शाह बहादुर, यानी अहमद शाह बहादुर के दौर में अहमद शाह अब्दाली को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो नंबर फोर्थ पे क्वेश्चन है, रियल नेम ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर, तो जहांगीर का जो रियल नेम था वो था सलीम, जहांगीर का रियल नेम था सलीम। तो नंबर फाइव पे क्वेश्चन है, हजरत अली रज़ा अल्लाह अन्हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मदीना टू कूफा। बी ऑप्शन राइट, कूफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिक्स पे, हाउ वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल आफ्टर 1946 इलेक्शन, यानी 1946 के इंतखाबात के बाद बंगाल का जो पीएम बना तो उसका क्या नाम था। उसका नाम था हुसैन शहीद सोहरावर्दी। और आप लोगों को यह भी बता दूं, हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के पीएम भी रहे हैं 1956 से लेकर 1957 तक। 1956 और 1957 के दौरानिया में ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। तो नंबर सेवन पे क्वेश्चन है, फर्स्ट हाउ सेलिब्रेट 14 फरवरी एज वैलेंटाइन डे, यानी जो सबसे पहले किसने मतलब है कि मनाया था 14 फरवरी एज वैलेंटाइन के तौर पर। तो उसका नाम है, बी ऑप्शन इज राइट, जोफ्री जासर। उसका नाम था जोफ्री जासर, जिन्होंने सबसे पहले 14 फरवरी को एज ए वैलेंटाइन के तौर पर दिन मनाया था। तो नंबर एट पे क्वेश्चन है, अब्दुल अजीज इब्ने सऊद कम टू इंडिया ऑन स्टेट विजिट फॉर 17 डेज इन। तो इसका राइट आंसर है 1955 यानी 1955 में आए थे, जो 17 दिन उन्होंने मतलब 17 दिन उन्होंने विजिट किया था इंडिया का। तो नंबर नाइन पे क्वेश्चन है,
ताइवान ऑफिशियली कॉल्ड, ताइवान को ऑफिशियली क्या कहते हैं, ताइवान को ऑफिशियली कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी जो ताइवान है ये चाइना का ही हिस्सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो नंबर 10 पे क्वेश्चन है द टोटल पीरियड ऑफ अबास्ट खलीफा वाज, यानी जो मतलब अबास्ट जो खलीफा थे मतलब कि अबासी खलीफा, तो उन्होंने कितने मतलब एक साल हुकूमत की, तो ये लिखा हुआ 750 से 1258 तक उन्होंने हुकूमत की, तो इस आप कमेंट में बताएंगे कितने साल बनते हैं, तकरीबन 509-10 इतने साल बनते हैं, तो ये कमेंट में लाजमी लिखिएगा। तो नंबर 11 पे क्वेश्चन है छाछनामा वाज अबाउट, तो छाछनामा किसके बारे में है, तो ये सिंध के बारे में है, सुबह सिंध के बारे में है छाछनामा। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है हाउ इज द कॉल्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कि जो इल्म नफ्सियात का जो फादर है वो किसको माना जाता है, बी ए ऑप्शन राइट विलहेम विनट इसका नाम है, विलहेम विनट जो भी है इसके आप लोगों ने याद कर लेना है, तो ये मतलब है कि फादर हैं इल्म नफ्सियात के। तो नंबर 13 पे क्वेश्चन है द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन, यानी जो जिस पार्ट को हम फिजिकल का मतलब होता है जिस पार्ट को हम छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर कहलाता है, और जो जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नंबर 14 पे क्वेश्चन है मैटर एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, यानी जो मैटर होता है मतलब है कि ये किस किस में होता है, तो ये सॉल्ट में भी होता है, गैस में भी, लिक्विड में, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो मैटर का मतलब होता है मादा, तो एग्जिस्ट का मतलब होता है मतलब है कि जाहिर होना, तो मादा जाहिर होता है सॉल्ट में भी, गैस में भी और लिक्विड में, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नंबर 15 पे क्वेश्चन है खिलाफत पेपर्स वाज पब्लिश्ड बाय, यानी जो खिलाफत पेपर्स है वो किसने पब्लिश किए थे, तो उसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत पेपर्स पब्लिश किए थे। तो 16 नंबर पे क्वेश्चन है हाउ रिजाइन आफ्टर ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट के बाद किसने रिजाइन किया था, तो वो किया था जुल्फकार अली भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो ने, ये अयूब खान के दौर में मतलब है कि ये फिनांस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ताशकंद का मतलब एग्रीमेंट के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने अहदे से। तो 17 नंबर पे क्वेश्चन है विन द अंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड, यानी जो अंडस वाटर ट्रीटी है वो कब साइन की गई, वो की गई 19 सितंबर 1960 में की गई, आप लोगों ने याद रखना है 19 सितंबर 1960 में। तो 18 नंबर पे क्वेश्चन है महमूद गजनवी अटैक अर्ली पीरियड ऑफ इट्स रीजन ऑन विच डेंसिटी, तो इसका राइट आंसर है शाही डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 पे ओल्ड कैपिटल ऑफ यूएसए, यानी अमेरिका का जो पुराना कैपिटल है उसका नाम था न्यूयॉर्क, और जो नया जो अभी है वो है वाशिंगटन डीसी। तो नंबर 20 पे क्वेश्चन है विच सिटी इन स्विट्जरलैंड वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, तो लीग ऑफ नेशन मतलब है कि स्विट्जरलैंड की किस सिटी में है, तो वह जिनेवा सिटी, बी ऑप्शन इज राइट जिनेवा सिटी। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब अंडर विच ट्रीटी, तो इसका राइट आंसर ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो 22 पे क्वेश्चन है विन वाज सेकंड ओआईसी समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी यहाँ पे ओआईसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक ऑफ कॉन्फ्रेंस या कॉपरेशन, तो ये कब है? इसकी दूसरी जो मीटिंग थी वो कब हुई, तो वो हुई 1974 यानी 1974 में दूसरी इसकी कॉन्फ्रेंस हुई, और इसकी जो पहली हुई थी वो हुई थी 1969 में, ये भी आप लोगों ने रखना है 1969 में पहले इसकी हुई थी, यानी 1969 में ये बनी थी ओआईसी। तो ओआईसी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कॉपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23 पे डेथ एनिवर्सरी ऑफ इलामा इकबाल, तो इलामा इकबाल की जो डेथ एनिवर्सरी वो कब नजर मतलब डेथ कब ऑब्जर्व हुई ऑब्जर्व है, तो वो है 21 अप्रैल 1978 यानी 21 अप्रैल। तो 24 पे क्वेश्चन है विन द सोवियत यूनियन अटैक्ड अफगानिस्तान, तो जो सोवियत यूनियन ने मतलब अटैक किए थे अफगानिस्तान में कब किए थे, 24 दिसंबर 1979 में, यानी 24 दिसंबर 1979 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे द इनिशियल सेंटर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मतलब जो ऑटोमन एम्पायर का जो सबसे पहला मतलब है कि सेंटर था वो था अनाटोलिया, अनाटोलिया मतलब है कि ऑटोमन एम्पायर का पहला मतलब इनिशियल सेंटर था। तो 26 नंबर पे क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ जीरो वाज गिवन बाय, यानी जो जीरो का कंसेप्ट किसने दिया, तो ये इंडियन मतलब कि इंडियन जो साइंसदान था उसने दिया, और उसका नाम था ब्रह्मा गुप्ता, ये भी आप लोगों ने याद रखना है BRHM ब्रह्मा गुप्ता उसका नाम था जिसने जीरो का कंसेप्ट दिया था, और वो इंडियन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पे लियाकत अली खान विजिटेड विच कंट्री फ्रॉम 3 मई टू 26 मई 1950, यानी इस सवाल में हमें यह बताना कि जो लियाकत अली खान मतलब कि 3 मई से 26 मई 1950 में कब कहाँ विजिट किया था, तो वो विजिट किया था यूएसए यानी अमेरिका का। तो आप लोगों ने यह भी याद रखनी है 3 से 26 मई 1950 में विजिट किया था यूएसए यानी अमेरिका का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे जो समरकंद इज इन विच कंट्री, तो जो समरकंद है वो किस कंट्री का मतलब है कि किस कंट्री में वाक़ है, तो वो है उज़्बेकिस्तान में, समरकंद किस में है उज़्बेकिस्तान कंट्री में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे हाउ वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी इन 1985, यानी 1985 में ओआईसी का जो सेक्रेटरी जनरल था उसका क्या नाम था, उसका नाम था सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा,
सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा 1985 में ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल थे। तो आप लोगों को यहाँ पे यह भी बता दूँ कि जो ओआईसी का पहला मतलब है कि सेक्रेटरी जनरल था, उसका नाम था सीर नंबर पे लिखा हुआ है टुनका अब्दुल रहमान, मतलब अब्दुल रहमान ये थे ओआईसी के पहले सेक्रेटरी जनरल। और ओआईसी की फुल फॉर्म वालों को पहले ही बता चुका हूँ। तो 30 नंबर पे क्वेश्चन है, नेम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट हाउ वाज ए फिल्म एक्टर, मतलब कि उस प्रेसिडेंट का नाम बताना, अमेरिका के उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो कि फिल्म एक्टर थे। तो उस बी ऑप्शन राइट है, रोनाल्ड रीगन उसका नाम था, जो कि यूएस के सदर भी रहे हैं और फिल्म एक्टर भी थे, रोनाल्ड रीगन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ, मतलब जो इब्ने बतूता ने विजिट किया था इंडिया में किसकी मतलब दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त थी सुल्तान मोहम्मद तुगलक की, सी ऑप्शन राइट, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में इब्ने बतूता ने इंडिया का विजिट किया था। तो 32 नंबर पे क्वेश्चन है, बादशाही मास्को बिल्ट, यानी जो बादशाही मस्जिद कब बनी, किसने बनाई, तो उसका नाम है औरंगजेब ने बनवाई, बादशाही मस्जिद बिल्ट बाय औरंगजेब। तो 34 नंबर पे क्वेश्चन है, फ्राजी मोमेंट वाज स्टार्टेड बाय, जो फ्राजी मोमेंट थी ये किसने स्टार्ट की, तो उसका नाम है सी ऑप्शन राइट, हाजी शरायतुल्ला, हाजी शरायतुल्ला ने फ्राजी मोमेंट को स्टार्ट किया था। तो 35 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ लाल शहबाज कलंदर, तो लाल शहबाज कलंदर का रियल नेम क्या था, उनका रियल नेम था हजरत उस्मान मरवंदी, हजरत उस्मान मरवंदी। लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, ही सेड टू मी गो अवे फ्रॉम हियर, तो इसका मतलब है कि चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो इसका बी ऑप्शन राइट है, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, हाउ रोड द बुक इंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो ये मतलब है कि जो बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो ये किसने लिखी है, सी ऑप्शन राइट, मैशियल फोस्कार्ट उसका नाम है जिसने ये किताब लिखी है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पे, मीनिंग ऑफ नेक एंड नेक, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कंप्लीट इक्वली, मीनिंग ऑफ नेक एंड नेक कंप्लीट इक्वली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे, हजरत अली रज़ी अल्लाह वाज माइट्रा, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कब शहादत पाई, तो 661 ईस्वी में उन्होंने शहादत पाई, 661 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे, कुशान एम्पायर इंट्रोड्यूस विच कॉइन, तो उन्होंने कॉइन मतलब इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे, ऑल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन APWA फाउंडेड बाय, तो ये किसने फाउंड की थी ऑल पाकिस्तान वोमेन एसोसिएशन, तो ये बेगम राणा लियाकत अली खान, बेगम राणा लियाकत अली खान, और 1949 में इन्होंने मतलब के फाउंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे, तारीख रसूल मतलब के किसने लिखी है, तो उसका नाम है अल तबारी ने तारीख रसूल अवाल मुल्क मतलब एक बुक लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर पे, हाउ एस्टैब्लिश्ड सऊदी अरबिया, एंड मतलब के सऊदी अरबिया को किसने मतलब एस्टैब्लिश्ड किया था, तो उसका नाम है किंग अब्दुल अजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर पे, हाउ मैनी यूरोपियन स्टेट्स हैव मोनार्क एज हेड ऑफ स्टेट, तो वह है 12, तो ये जो मतलब के मोनार्क का मतलब है शाह, मतलब ये 12 है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर पे, हाउ वाज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो पूरी दुनिया में जो सबसे पहली मतलब एक वज़ीर आज़म थी किस कंट्री की, तो वो थी मतलब श्रीलंका कंट्री थी, और उसका नाम है सरमावो बंदरनायका, मतलब ये उसका नाम है जो मतलब कि श्रीलंका की पूरी दुनिया में सबसे पहली दफ़ा मतलब एक वज़ीर आज़म बनी थी। तो 59 नंबर पे क्वेश्चन है, इब्न खल्दून वाज ए फेमस, तो इब्न खल्दून किस लिए मशहूर हैं, तो वो हैं सोशियोलॉजिस्ट के लिए, सोशियोलॉजिस्ट के लिए मशहूर हैं इब्न खल्दून वाज़ फेमस फॉर सोशियोलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पे, द हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग, तो अब अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैरो में अरब लीग का हेडक्वार्टर। तो 61 नंबर पे क्वेश्चन है, क्वाली वाज इंट्रोड्यूस बाय विच सूफी सिलसिला, तो क्वाली जो है वो इंट्रोड्यूस की गई किस सूफी सिलसिला में, तो है चिश्तिया सूफी सिलसिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर पे, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज मेड बाय, तो जो पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी वो किसने बनाई, तो उसका नाम है ब्लेस पास्कल ने मतलब कि पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी। तो 63 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ फर्स्ट अटैक ऑन सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मतलब अटैक किसने किया था, उसका नाम है डॉरस, अटैक ऑन सब कॉन्टिनेंट मतलब डॉरस पे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर पे, हाउ वाज सन ऑफ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, तो हम हजरत अमीर मुआविया का जो बेटा था उसका नाम था यजीद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर पे, द होली कुरान वाज फर्स्ट कंपाइल्ड ड्यूरिंग द खलीफा, तो मतलब कुरान मजीद को जब मुकम्मल मतलब कि एक किताब की शक्ल दी गई, मुकम्मल किया गया, तो वो किस मतलब कि खलीफा के दौर में, तो वो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मतलब कि उसका मुकम्मल किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर पे, ब्रिटिश सेंट होम टू सऊदी अरबिया, मतलब कि जो बर्तानिया ने या ब्रिटिश ने मतलब सेंड किया था सऊदी अरब में, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सी ऑप्शन राइट, लॉरेंस ऑफ अरबिया को मतलब सेंड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर पे, हाउ डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन, तो उसका नाम है अशोका, मतलब है कि जो बुद्धिज्म का जो की जो स्टेट है मतलब इसके जो मतलब किसने डिक्लेयर किया था? अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर पे, इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा मतलब महाराजा गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट, मतलब है कि 1840 में कश्मीर का मतलब है कि कश्मीर का सौदा किया गया था, तो वो कितने में किया गया था? 7.5 मिलियन, यानी 7.5 लाख में। तो 69 नंबर पे क्वेश्चन है, इन 1993 इलेक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली पीपी सिक्योर्ड हाउ मेनी जनरल सीट्स, तो उस वक्त जनरल सीट्स थी पीपी की 81 यानी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पर, इन 1999 हाउ इम्पोज्ड मार्शल लॉ, तो इसका राइट आंसर नान ऑफ, यानी 1999 में मार्शल लॉ नहीं लगा था, वो परवेज मुशरफ ने एमरजेंसी लगाई थी, उसको एमरजेंसी का नाम दिया गया ना कि मार्शल लॉ का। तो 71 नंबर पे क्वेश्चन है, यूएस एम्बेसडर हाउ डाइड विद प्रेजिडेंट जियाल हक इन प्लेस क्रैश मतलब वास, यानी जो प्रेजिडेंट जियाल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें यूएस एम्बेसडर थे जो उनकी वफात हुई थी, उनका क्या नाम है? तो ये ऑप्शन राइट है, आर्नॉल्ड लेवस राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर पे, मुगल एम्पायर अकबर रीजन फॉर, मतलब है कि मुगल एम्पायर ने जो अकबर था उन्होंने कितनी हुकूमत की? उन्होंने हुकूमत की 1556 से लाकर 1605 तक, यानी 49 साल अकबर ने हुकूमत की बरे सगीर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर पर, कांग्रेस डिड नॉट अटेंड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो कांग्रेस ने मतलब है कि जो नहीं मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया था, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड नहीं किया था, बाकियों को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर पे, हजरतुल विदा अल बलेगा वाज रिटन बाय, तो ये किसने लिखा? ये शाह वली अल्लाह ने लिखा है, हजरतुल बलेगा मतलब ये बुक का नाम है, ये किसने लिखी? शाह वली अल्लाह ने लिखी है। तो 83 नंबर पे क्वेश्चन है, द दिल्ली सुल्तान कम इन टू एंडन, मतलब है कि 1526 में दिल्ली सुल्तान पे मुगलिया के दौर का आगाज़ हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर पे, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तस्करे बाबरी, जो तस्करे बाबरी है मतलब है कि ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये किस जबान में लिखी गई? ये तुर्कश जबान में लिखी गई, तुर्कश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर पे, मंजूर अहमद वट्टू गवर्नमेंट वाज रिस्टोर्ड बाय हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने मतलब है कि मंजूर अहमद वट्टू की हुकूमत को रिस्टोर किया था मतलब बहाल किया था, तो ए ऑप्शन राइट है, नवंबर 1996 यानी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर पे, सोलर कैलेंडर इज विच टाइप ऑफ कैलेंडर, जो सोलर कैलेंडर है वो किस टाइप का कैलेंडर है? बी ऑप्शन राइट है, ग्रीगोरियन मतलब एक टाइप का कैलेंडर है ग्रीगोरियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर पे, 18 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास्ड, यानी जो 18वीं जो मतलब एक तरमीम हुई 1973 के आइन में, वो कब हुई? वो 2010 में हुई, मतलब आसफ अली जरदारी के दौर में 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर पे, विन सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिशड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, तो ये 1888 में उन्होंने मतलब है कि एस्टेब्लिश की थी 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर पे, तशबिया में वो चीज़ जिसके साथ तशबी दी जाए वो उसे क्या कहते हैं? उसे मुशबाह कहते हैं, सी ऑप्शन राइट है, मुशबाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इकबाल का कौन सा मजमू उर्दू और फारसी में है? तो वो है अरमकान हजाज, जो कि 1938 में शाया हुआ, अरमकान हजाज जो कि उर्दू और फारसी में है और 1938 में शाया हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो